हेलो फ्रेंड्स, 7 जुलाई की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 7 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है, नो मोदी जी मीटिंग एट G20 एज एटमॉस्फियर इज नॉट राइट। तो ये एक्चुअली G20 समिट अब है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में। तो ये हैमबर्ग जर्मनी में G20 समिट हो रहा है, तो यहाँ सारे लीडर्स की मीटिंग होगी। मतलब 20 नेशंस है, G20 ग्रुपिंग जो है, ग्रुप ऑफ 20, तो ये 20 नेशंस का ग्रुप है। एक्चुअली 19 नेशंस है, 20th मेंबर यहाँ पे यूरोपियन यूनियन है। हालांकि थोड़े ईयू मेंबर्स, ब्रिटेन तो अब एग्जिट हो रही है, पर फ्रांस, इटली, जर्मनी भी यहाँ सेपरेटली भी रिप्रेजेंटेड है, और 20th मेंबर ईयू है। तो ये G20 ग्रुपिंग ग्रुप ऑफ इम्पोर्टेंट 20 नेशंस है। तो इसमें G8 के सारे मेंबर्स भी इन्वॉल्व है, प्लस इवन इंडिया, चाइना इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे इस G20 समिट के साइडलाइंस में बायलैटरल मीटिंग्स भी होती है, तो इंडियन और चाइनीज लीडर्स भी मिलेंगे। ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं होगी, क्योंकि चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव ने कहा है कि एटमोसफियर सही नहीं है। क्योंकि हम देख रहे हैं इंडिया चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ है फिलहाल इन द ट्राइलेटरल जंक्शन, डोकलम रीजन जो है, जहाँ पे सिक्किम इंडिया का पार्ट, तिब्बत चाइना का पार्ट और भूटान तीनों मिलते हैं। तो ये डोकलम रीजन में यहाँ पे चाइना रोड कंस्ट्रक्शन कर रहा है, और भूटान क्लेम करती है कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहा है। और इंडिया भी यहाँ पे भूटान के रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ स्टैंड ले रहा है, तो वो क्योंकि ये हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन स्नैक के काफी पास है, हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है, तो वही है। तो यहाँ पे चाइना ने अब स्टैंड लिया है कि पीस लाने के लिए, टॉक्स निगोशिएशंस करने के लिए एक प्री कंडीशन है, पहले एक जो कंडीशन फुलफिल करनी होगी वो इंडियन ट्रूप्स को यहाँ से विड्रॉ होना होगा। तो यहाँ से विड्रॉ अगर करेंगे, वो पीछे हटेंगे डोकलम रीजन से, तो फिर हम बाद में टॉक्स करेंगे। तो ये चाइना का डिमांड है, और वही साइडलाइन पे वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हैमबर्ग में कोई बायलेटरल मीट नहीं होगी। तो ये इम्पोर्टेंट अब है G20 ग्रुपिंग, ये भी हम देख लेते हैं। तो ये 85% वर्ल्ड जीडीपी रिप्रेजेंट करते हैं, 20 प्रोमिनेंट नेशंस है, 19 प्रोमिनेंट नेशंस टू बी स्पेसिफिक, और 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड जो है इनके बीच में होता है। तो यहाँ पे सारे प्रोमिनेंट नेशंस है, जैसे G8 है पूरा, मतलब US, कनाडा देख सकते हैं, सारे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी इंक्लूडेड है, चाइना, रशिया, प्लस ऑल्सो इंडिया, टर्की, अफ्रीका से साउथ अफ्रीका है, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे नेशंस या मेंबर्स है। और ये G20 के बारे में, तो G20 एक्चुअली 1999 में बनाई गई थी, और ये एक्चुअली G20 है ग्रुप ऑफ 20 ये नेशंस के फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक हेड्स की एक्चुअली मीटिंग होती है, लेकिन बाद में इसको समिट लेवल पे भी लाया गया है, तो मतलब लीडर्स भी की भी मीटिंग होती है, तो ये एनुअल समिट्स भी होती है। तो ये जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 1997 में, उसके बाद ये बनाया गया ताकि ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में स्टेबिलिटी लाई जा सके, वो एक पर्पस था इसका। प्लस अभी 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस जो हुआ, उसके बाद भी इसका जो सिग्निफिकेंस है वो बढ़ गया है। तो ये है। फिर अगला न्यूज आइटम है, जॉब्स एडमिशंस ऑन फेक कास्ट सर्टिफिकेट्स नॉट वैलिड, से सुप्रीम कोर्ट। तो ये एक्चुअली बॉम्बे हाई कोर्ट की रूलिंग थी कि जो लोग फेक सर्टिफिकेट्स लेके एडमिशंस लेते हैं एडुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, या तो फिर फेक सर्टिफिकेट्स पे वो जॉब्स लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स पे है या एडमिशंस लिया है, तो उनका अगर बहुत टाइम हो गया वो सर्विस में, जैसे बहुत टाइम से सर्विस में है, तो फिर उनको कंटिन्यू करने के लिए अलाउ करना चाहिए। ये बॉम्बे हाई कोर्ट की रूलिंग थी, क्योंकि इतने टाइम से वो सर्विस में है। तो यहाँ पे इसके ऊपर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पिटीशन फाइल किया, अपील फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी कि नहीं, ये बॉम्बे हाई कोर्ट की रूलिंग गलत है, अगर ऐसा कोई केस है तो उनको वैलिडिटी नहीं मिल सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया है कि उनकी जो वर्डिंग है, मतलब जो उनके रूलिंग है या ऑर्डर है, वो एप्लीकेबल होगा, लेकिन अभी से, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, नॉट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। मतलब कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है कि अभी रूलिंग दी है, लेकिन एप्लीकेबल जब से हो रहा है तब से हो, तो ऐसा नहीं, अभी से नहीं अलाउड होगा। मतलब अब तक जो सर्विस में थे ठीक है, उनका जो भी कंपेंसेशन है वो मिलेगा, लेकिन अब से वो सर्विस में नहीं अलाउ किए जा सकते, उनको निकालना होगा क्योंकि फेक सर्टिफिकेट्स पे वो। फिर अगला न्यूज आइटम है, व्हाई नॉट यूज वीवीपैट यूनिट्स फॉर गुजरात पोल्स, सुप्रीम कोर्ट आस्क इलेक्शन कमीशन। तो ये एक्चुअली गुजरात में अभी 2017 में असेंबली इलेक्शन होने वाले, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने डिमांड किया है कि वीवीपैट मशीन यूज किए जाए।
तो ये है वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ड्रिल। तो इसका मतलब है कि ये ईवीएम मशीन के साथ ही अटैच किए जाते हैं। तो जैसे ये ईवीएम मशीन है, तो डिस्प्ले यहाँ पे आप बटन प्रेस करोगे, जो भी पार्टी को, कैंडिडेट को आपको वोट करना है, तो जब आप बटन प्रेस कर लोगे तो ये वीवीपैट मशीन साथ में ईवीएम के अटैच होगा। तो ये वीवीपैट मशीन में एक पेपर प्रिंट आउट निकलेगा। तो वो प्रिंट, जैसे हम डेबिट कार्ड शॉपिंग करते हैं तो जो बिल दिए जाते हैं प्रिंट स्लिप निकलती है, तो वैसे ये स्ट्रिप निकलेगी प्रिंट, और वो अलग से निकाल के वोटर लेकर नहीं जाएगा, वो प्रिंट स्लिप वहीं पे रहेगी। वो सिर्फ स्लिप आपको डिस्प्ले की जाएगी कि आप देख सको कि आपका डिटेल सही से रिकॉर्ड हुए है नहीं, आपने जो कैंडिडेट को वोट दिया था वो रिकॉर्ड सही से हुआ है कि नहीं, वहां मेंशन किया हुआ है। तो ये वोटर वेरीफाई करेगी, वोटर वेरीफाइबल है और पेपर है, और ये ऑडिट में यूज की जाएगी। तो ये ट्रेल, वो पूरा जो रोल होगा वो उसमें ही रहेगा। तो वो वोटर वेरीफाई हो गया, अब वो पेपर ऑडिट ट्रेल कब यूज किया जाएगा? अगर चेक करना है तो, आफ्टर इलेक्शंस अगर एक रिकाउंट करना है, आप चेक करना है, तो फिर ये पेपर से ऑडिट किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है कि जो ईवीएम्स में रिकॉर्ड किया गया है वो पेपर ऑडिट में भी वही सही है या नहीं। तो ये उसके लिए काम आती है, और ये होने से वोटर्स का ईवीएम्स में कॉन्फिडेंस और इन जनरल पूरे प्रोसेस में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के जजमेंट में भी कहा था, ये सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का केस था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ही जजमेंट दिया था कि पेपर ऑडिट ट्रेल्स यूज करने चाहिए, ताकि ये इंडिस्पेंसेबल है, मतलब ये जरूरी है, बहुत इंडिस्पेंसेबल रिक्वायरमेंट है अगर हमको फ्री और फेयर इलेक्शन करने हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, इसीलिए यहाँ पे एक पेटिशन फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में कि अभी जो गुजरात असेंबली इलेक्शंस हो गए 2017 में, उनमें ये वीवीपैट मशीन्स यूज किए जाए। तो ये वीवीपैट मशीन्स यूज करने के लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ताकि नेक्स्ट जनरल इलेक्शन जो हो गए तभी भी ये सब पूरा ऑल ओवर द कंट्री यूज किए जा सके 2019 में। लेकिन उससे पहले अभी जो 2017 असेंबली इलेक्शन है उसके लिए स्टेप्स लिए जाने के लिए जो कहा जा रहा है, हमारे पास ऑलरेडी, मतलब इलेक्शन कमीशन के पास ऑलरेडी 87,000 वीवीपैट मशीन है, और गुजरात असेंबली इलेक्शन के लिए 71,000 मशीन की जरूरत है। तो जब सुप्रीम कोर्ट को ने ये कहा इलेक्शन कमीशन से कि गुजरात असेंबली इलेक्शन में वीवीपैट मशीन क्यों नहीं यूज किए जा रहे, फिर तो रिस्पॉन्स ये है इलेक्शन कमीशन का कि इन मशीन में से काफी सारे मशीन में ग्लिचेज है, दिक्कतें हैं, तो वो सब सही से फंक्शन नहीं कर रही है। तो वही है, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि ये आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो एक्सक्यूज की जरा लग रहा है, बहाना लग रहा है। तो आप सीरियस हो या नहीं वीवीपैट मशीन यूज करने के लिए? और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि डोंट फोर्स अस, हमको फोर्स मत करो, अगर हमको चाहिए तो हम जो ऑर्डर देंगे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी हम स्टेप्स ले सकते हैं। तो वही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है 4 वीक का टाइम दिया गया है इलेक्शन कमीशन को रिप्लाई करने के लिए कि वो वीवीपैट मशीन यूज करे गुजरात असेंबली इलेक्शन में। तो अब देखेंगे आगे क्या स्टेप्स लिए जाते हैं। ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन को 3,000 करोड़ रुपीज दिया है, तो ताकि 1,50,000 मशीन्स खरीद सके, ताकि ये जनरल असेंबली इलेक्शंस में यूज किए जा सके अगले 2019 में। तो ये स्टेप्स तो लिए जा रहे हैं, पर ऑलरेडी मशीन्स है भी इनके पास। तो ये है। फिर अगला न्यूज आइटम है, एपी तेलंगाना रेज इश्यूज बिफोर कृष्णा वाटर ट्रिब्यूनल। तो ये कृष्णा रिवर के बारे में है। अब ये कृष्णा रिवर बेसिन जो है वो 3 स्टेट्स से फ्लो होती थी, और अब 4 स्टेट्स हो गए, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश बाइफर्केशन के बाद अब आंध्र और तेलंगाना दोनों है। तो ये 4 रिपेरियन स्टेट्स है यहाँ पे। तो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट बहुत हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है, और इसके लिए जो अग्रीमेंट्स है पुराने उनकी वजह से यहाँ पे फिर आगे डिस्प्यूट्स क्लेम किए गए हैं कि कितना वाटर का शेयर मिलेगा हर स्टेट को। तो काफी सारे इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट हम देखते हैं, तो ये आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट जो है यहाँ पे, इसके लिए एक ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश की गई थी। तो ट्रिब्यूनल होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है, कम्प्लीटली जुडिशियल नहीं, मतलब जुडिशियरी जजेस ही होते हैं यहाँ पे भी। तो ये कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो थी 1969 में एस्टेब्लिश की गई थी। इसका ऑलरेडी एक्ट है, कृष्णा इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1956, तो उसके अंदर ट्रिब्यूनल बनाने के लिए प्रोविजन है। तो ये ट्रिब्यूनल के हेड थे जस्टिस R.S. बचावत। तो ये बचावत पैनल बनाया गया था, ट्रिब्यूनल बनाया गया था, ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज थे। तो ये 1969 का ट्रिब्यूनल, इन्होंने अपना रूलिंग दिया। तो ये आया रूलिंग इन 1976, काफी टाइम लगता है, वो स्टडी करते हैं पूरा, डेटा निकालते हैं, और फिर उनकी हियरिंग्स होती है, और फिर यहाँ पे ये रूलिंग दी गई। तो ये टाइम लगता था। तो यही है, यहाँ पे जो
तीन स्टेट्स के बीच में, तब तो तीन ही स्टेट्स थे, तो ये तीन स्टेट्स के बीच में उन्होंने बाइफर्केशन किया, और इसमें प्रोविजन था कि इसको फिर आफ्टर 10 इयर्स 20 इयर्स ऐसे उनको रिव्यू भी करना होता है। तो ये रिव्यू करने के लिए जो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2 फाइनली बनाई गई, तो ये कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2 ने अपना प्रोविजनल अवार्ड दिया, टेम्पररी अवार्ड दिया इन 2010। तो उन्होंने जो एडिशनल एलोकेशन सरप्लस वाटर था उसका एलोकेशन करके उन्होंने नया अपना अवार्ड दिया। बचा हुआ ट्रिब्यूनल का फाइनल अवार्ड भी आया 2013 में। तो ये 2013 में जो फाइन बना था 2004 में आप देख सकते हैं, ये सेकेंड ट्रिब्यूनल है, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2। वन तो 1969 में बन गया, अभी जो हो रहा है ये 2 के अंदर हो रहा है, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2, जिनके चेयर है अगेन जस्टिस ब्रिजेश कुमार। तो इन्होंने 2004 में कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2 बना, और उसका वर्डिक्ट आया 2013 में। 2010 में ये प्रोविजनल अवार्ड था ब्रिजेश कुमार ट्रिब्यूनल का, और फिर जब 2013 में उन्होंने अपना फाइनल वर्डिक्ट दे दिया, उसके अगले साल 2014 में तेलंगाना बिकेम अ न्यू स्टेट। तो अब क्वेश्चन ये रेज हुआ कि अब बाइफर्केशन कैसे होगा। तो तेलंगाना और आंध्र चाहते थे कि चारों स्टेट्स का फिर से रियलोकेशन हो, और बाकी जो महाराष्ट्र और कर्नाटक है वो अपना शेयर अभी चेंज नहीं करना चाहते थे। वो कह रहे थे कि हमारा शेयर तो है, आंध्र बाइफर्केट हुआ है इंटू 2 स्टेट्स, तो आप आंध्र का जो शेयर है उसको डिवाइड कर दो इन दोनों के बीच में। तो ये एक्चुअली ट्रिब्यूनल ने भी ये एक्सेप्ट किया, और इसी बेसिस पे ये अभी जो हमने न्यूज में देखा वो यही है कि दोनों स्टेट आंध्र और तेलंगाना यहाँ पे कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के 2 के सामने अपने आर्ग्यूमेंट्स रख रहे और इश्यूज बता रहे कि क्या उनके इश्यूज है। तो ये प्रोजेक्ट वाइज एलोकेशन किया जाएगा, करना है उनका कृष्णा वाटर का, इसके लिए ये आर्ग्यूमेंट्स किए जा रहे हैं। तो यही है, तो ये एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 का, तो उसके अंदर सारा जो 2 स्टेट्स बने हैं एक सिंगल स्टेट में से, तो वो सारा जो रीऑर्गेनाइजेशन प्रोविजन जिसमें है, तो उसी के प्रोविजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल भी अपना रूलिंग देगी। तो ये है, और ये कृष्णा बेसिन भी बताया गया है यहाँ पे, तो ये कृष्णा रिवर बेसिन है। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज भी आप देख सकते हैं, भीमा, तुंगभद्रा, ये मालप्रभा, घटप्रभा, ये सारे 4 रिपेरियन स्टेट्स हैं कृष्णा बेसिन में। फिर अगला न्यूज आइटम है, अ फेमस यात्रा हैज अ सोशल फेस ऑनलाइन। तो ये एक्चुअली पंढरपुर को जो यात्रा जाती है, वर्कारी सेक्ट जो है, तो वारी, वारी कहा जाता है इसको, वारी मतलब यही है जो पिलग्रिमेज किया जाता है। तो ये पिलग्रिमेज पंढरपुर तक पहुंचती है, पंढरपुर है सोलापुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, और ये जो है यहाँ पे महाराष्ट्र के जो प्रोमिनेंट सेंट्स है जैसे संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, उनकी यहाँ पे डिंडी लेके जाया जाता है। तो डिंडी का मतलब होता है पालकी, तो जो पालकी होती है वो यहाँ पे ले जाई जाती है, और वो पालकी के अंदर वो लोग कैरी करते हैं फुटप्रिंट्स, पडुका कहते हैं इसको। तो ये फुटप्रिंट्स, ये प्रोमिनेंट सेंट्स है उनके फुटप्रिंट्स ये डिंडी लेके जाके वो प्रोसेशन में जाते हैं पंढरपुर। तो जो संत ज्ञानेश्वर है उनकी समाधि है यहाँ पे इन पुणे, तो यहाँ पे बताया गया है ये पुणे में, जैसे संत ज्ञानेश्वर की है इन अलंदी, ये संत ज्ञानेश्वर अलंदी में, उनकी पालकी अलंदी से निकलती है और संत तुकाराम की देहू से, दोनों पुणे डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे काफी सारे ये पिलग्रिम्स जो है वर्कारी कहते हैं, जो वारी परफॉर्म करते हैं, जो पिलग्रिमेज परफॉर्म करते हैं, तो ये सेक्ट है, ये कम्युनिटी है। तो वो विठोबा, जो हिंदू गॉड विठोबा है, फॉर्म ऑफ विष्णु है ये, तो पंढरपुर में विठोबा टेम्पल है, तो वहाँ यहाँ पे सोलापुर डिस्ट्रिक्ट पहुंचते। और ये पंढरपुर भी है ऑन बैंक्स ऑफ रिवर भीमा, तो ये भीमा या चंद्रभाग रिवर यहाँ उसको कहा जाता है, तो सेक्रेड रिवर यहाँ माना जाता है, वहां पे वो पहुंचते। तो ये आषाढ़ी एकादशी के दिन यहाँ पे पहुंचते, तो आषाढ़ी एकादशी मतलब 11th डे ऑफ आषाढ़ मंथ, तो हिंदू कैलेंडर ईयर का ये 11th डे है। तो ये दिन को यहाँ पे वो पहुंचते हैं विठोबा टेम्पल पे, और यहाँ पे वो रिवर में एक डिप लेते हैं, और उसके बाद यहाँ विठोबा टेम्पल में पहुंच के ये उनका जो वारी है वो कंप्लीट होता है। तो ये पंढरपुर वारी, इसके ऊपर इवन वर्कारी के ऊपर प्रीलिम्स 2017 में क्वेश्चन आ चुका है, तो कल्चर पर्सपेक्टिव से ये इम्पोर्टेंट है। तो ये अभी वारी हुआ, तो इधर ये जो न्यूज है वो ये है कि इसको सोशल फेस भी दिया गया, मतलब यहाँ पे फेसबुक पे एक बनाया गया है फेसबुक डिंडी वर्चुअल वारी। तो ये जो फेसबुक डिंडी है यहाँ पे वो ये वारी के साथ साथ कोई सोशल कॉज भी पिकअप कर रहे, जैसे 2016 में जो सोशल कॉज उन्होंने पिकअप किया था वो था ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स इंप्लीमेंट करने के लिए स्टेप्स लिया था। फिर उन्होंने इवन ओपन डिफिकेशन फ्री
करने के लिए, इवन यहाँ पे ओपन डिफिकेशन मतलब जो खुले में शौच बोलते हैं, तो वो टॉयलेट्स उन्होंने मेकशिफ्ट टॉयलेट बनाए थे ताकि जो पिलग्रिम्स आए तो उनको यहाँ पे ओपन डिफिकेशन ना करे वो टॉयलेट्स हो। तो ये स्वच्छ भारत का एक एस्पेक्ट हो गया। और इस साल भी ये फेसबुक डिंडी का फोकस है ऑन गर्ल चाइल्ड, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को वो प्रमोट करेंगे। तो ये एक सोशल कॉज भी साथ में जा रहा है, वो न्यूज ये तो ये है। फिर अगला न्यूज आइटम है सेंटर डूइंग ऑल इट कैन टू हेल्प फार्मर्स। तो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन फाइल किया गया है ऑन फार्मर्स सुसाइड, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड कर रही है यहाँ पे कि सुसाइड जो हो रहे हैं फार्मर्स के वो टेरिबल ट्रेजेडी है, लेकिन हम सब कुछ कर रहे हैं जो हमारे हाथ में, वो हम सब कुछ कर रहे हैं कि एग्रीरियन क्राइसिस हम रिजोल्व कर सके, पर इसको टाइम लगेगा। तो वही ये गवर्नमेंट की जो पॉइंट है उससे सुप्रीम कोर्ट भी राजी है, और वो कह रहे हैं कि या वेलफेयर स्कीम्स जो है उसको इंप्लीमेंट होने को, उनको उनके रिजल्ट्स दिखने को टाइम लगेगा। तो वही यहाँ पे गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने का टाइम दिया है कि आप जो वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो 6 महीने बाद आप रिपोर्ट करोगे, तो उस टाइम में क्या वेलफेयर स्कीम्स का क्या रिजल्ट आया वो आप बताओ। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि हमको 1 साल का टाइम चाहिए, पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने का ही टाइम दिया। तो इधर भी रूल, अभी जो हियरिंग भी उसके अंदर अटोर्नी जनरल ने काफी सारी स्कीम्स बताई जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं ताकि फार्मर्स क्राइसिस को रिजॉल्व किया जा सके। तो उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बात की कि ये जो स्कीम है इसके अंदर हमने काफी कवरेज भी इंक्रीज हुआ है। वो कह रहे कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उनमें काफी सारे फार्मर्स अब कवर किए जा रहे हैं, और इसका कवरेज बढ़ाने के लिए हम स्टेप्स ले रहे हैं। इवन उन्होंने ये भी कहा है कि नीति आयोग भी इस पे काम कर रहा है कि फार्मर्स सुसाइड को रिजोल्व करने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो वो स्टेप्स डिसाइड हो रहे हैं, वो भी चल रहा है, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस है। तो वो कहा, तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है इसके अंदर फसल बीमा मतलब जो फसल होती है जो उसके ऊपर बीमा मिलता है, इंश्योरेंस मिलता है। तो ये इंश्योरेंस सिर्फ क्रॉप्स पे नहीं है, इवन पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस अगर हो गए कुछ है तो सब पे होता है। इवन नेचुरल डिजास्टर कुछ हुआ, कलामिटीज हुई, उस वजह से क्रॉप लॉस हो गया, सब पे ये इंश्योरेंस कवरेज करता है। तो कंप्लीट कवरेज भी है। तो पहले इंश्योरेंस स्कीम थी नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, उसके कंपेरिजन में यहाँ पे काफी ज्यादा कवरेज भी मिलता है। लेकिन पहले जो था उसमें प्रीमियम में लिमिट्स थे, तो मतलब कि कितना परसेंट, 1% 2% ऐसे लिमिट्स थे कि आप ज्यादा प्रीमियम नहीं भर सकते, मतलब कि इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी, तो इंश्योरेंस अगर आपको चाहिए तो आपको प्रीमियम भरना होता है ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो ये प्रीमियम लिमिट था, तो अगर प्रीमियम पे लिमिट होगा तो वही कवरेज पे भी लिमिट होगा। तो अब जो ये फसल बीमा योजना जो लॉन्च की गई उसके अंदर ये प्रीमियम लिमिट को हटा दिया गया। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि क्योंकि मार्केट इकोनॉमी में ये होगा तो हाँ स्टेप्स ये होगी, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि प्रीमियम्स कम ही रहेंगे क्योंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट है, काफी सारे इंश्योरेंस कंपनीज होगी, सबको देना है इंश्योरेंस कवरेज, तो वो जो कम से कम प्रीमियम दे रहा होगा उससे ही फार्मर्स लेंगे। तो ये एक्सपेक्टेशन है, उन्होंने प्रीमियम हटा दिया है कि प्रीमियम कम हो जाएगी, पर वो अलग चीज है कि मार्केट इकोनॉमी में कैसे फंक्शन होगा। तो ये प्रीमियम मतलब ज्यादा भरेंगे तो फिर उनको कवरेज भी ज्यादा मिल रहा है, और प्रीमियम मतलब अगर कोई फार्मर लोन लेता है तो ये फसल बीमा योजना के अंदर डायरेक्टली आ जाते हैं और उनका प्रीमियम घटते जाता है, मतलब वो लोन अमाउंट में वो एड अप किए जाते हैं। तो ये स्कीम मतलब के अंदर कवरेज वो बढ़ा रहे। और जो बेनिफिट है ये स्कीम में ये है कि यहाँ पे एक तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे दिया गया है फसल बीमा योजना के बारे में कि प्रीमियम के ऊपर कैप हटा दिया गया है, तो प्रीमियम वही है कम हो जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन है। बाकी जो है कवरेज बढ़ा दिया गया है, लोकलाइज रिस्क या पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हो गए उसमें भी फार्मर्स को कवरेज मिलेगा इंश्योरेंस कवरेज। प्लस उन्होंने ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रखी है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी, मतलब कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी फोन से इवन रिमोट सेंसिंग से जो इमेजेस है वहां पे पहुंचेंगे, क्विक सेटलमेंट होना चाहिए, मतलब क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम अप किया जाता है तो वहां पे वेरिफिकेशन होता है कि लॉस कितना हुआ है क्या हुआ है, तो वो वेरिफिकेशन स्मार्ट टेक्नोलॉजी करके इजीली होना चाहिए। फिर अगली स्कीम जो मेंशनड है वो है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। तो ये किसान क्रेडिट कार्ड मतलब ये किसानों को फार्मर्स को क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी दी जाती है। अभी वही कोर्ट में अटोर्नी जनरल ने कहा ये एटीएम एनेबल्ड किसान क्रेडिट कार्ड हो गए अब, तो एटीएम से भी ये यूज किए जा सकते हैं। तो ये 1998-99 में एक्चुअली किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया था बाय आरबीआई एंड नाबार्ड। तो यहाँ पे फार्मर्स को क्रेडिट दिया जाता है, मतलब लोन दिया जाता है ऑन अ क्विक बेसिस, तो शॉर्ट टर्म लोन जो उनको थोड़े चाहिए होते हैं तो वो इजीली उनको इस क्रेडिट कार्ड से मिल सकते हैं। तो वो है।
फिर इसके अलावा जो रिसेंटली अब पिछले महीने या मई में हमने ये देखा था न्यूज में कि आरबीआई ने इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का डिटेल्स अनाउंस किया, आरबीआई नाबार्ड ने। इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब होता है कि जो इंटरेस्ट लोन्स फार्मर्स लेते हैं उसमें जो इंटरेस्ट उनको पे करना होता है उसमें कम हो जाएगा। तो इंटरेस्ट सबवेंशन में यहाँ पे अनाउंस किया गया कि सारे क्रॉप लोन्स जो 3 लाख तक के है उनके ऊपर 2% सबवेंशन मिलेगा। मतलब जितना इंटरेस्ट वो पे करते हैं फार्मर्स उससे अभी 2% कम पे करना होगा। फिर अगर फार्मर्स ने टाइम पे रीपे करते हैं वो तो उनको और 3% सबवेंशन मिलेगा, मतलब टोटल 5% सबवेंशन मिलेगा इंटरेस्ट में ये। और अगर पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज के लिए अगर शॉर्ट टर्म लोन लिया गया है अप टू 6 मंथ्स के लिए तो उसके लिए 2% सबवेंशन है। और ये भी था 2% सबवेंशन अगर फार्मर्स कलामिटीज से उनका जो प्रोड्यूस है अफेक्ट हुए है तो वो उनको और 2% सबवेंशन का ये और एक स्कीम लॉन्च किया गया था। तो ये डिटेल्स है। तो इसके लिए वही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 20,339 करोड़ ये इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के लिए प्रोविजन किया है। फिर अगला था ई नाम। तो ये ई नाम भी एक प्रोविजन स्कीम है जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है फॉर फार्मर्स। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, सो जो एग्रीकल्चर मार्केट है फार्मर्स को वही मेन दिक्कत होती है कि जब उनका प्रोड्यूस है वो पेरिशेबल है, मतलब वो सड़ जाएगा अगर वो जल्द से जल्द बेचेंगे नहीं, तो इसलिए डिस्ट्रेस सेल जो कहा जाता है कि मतलब उनको जल्द से जल्द सेल करना ही पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे ई नाम स्कीम जो है उसके अंदर ये नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट वो इलेक्ट्रॉनिकली लिंक करना चाहते हैं। गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव ले रहे हैं ताकि फार्मर्स अपने गुड्स जो है वो मंडी पे वो रजिस्टर कर सकते हैं गुड्स को अपने आपको, और गुड्स का इवन क्वालिटी चेक होता है क्वालिटी चेक लैब में, और क्वालिटी चेक करके बाद उनको सर्टिफाई किया जाता है, प्राइस दिया जाता है और फिर बिडिंग होता है। तो ऑनलाइन वो अपना प्रोड्यूस सेल कर सकते हैं, जो हाईएस्ट बिड है उनको वो अपना प्रोड्यूस बेच सकते हैं। तो ये एक इनिशिएटिव है जो लिया गया है ताकि फार्मर्स को डिस्ट्रेस सेल ना करना पड़े। इसके अलावा अगर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज वगैरह भी दी जाए तो वो अपने प्रोड्यूस को, गोडाउन भी बनाए जाए तो अपने प्रोड्यूस स्टोर कर सकते हैं ताकि जब उनको अच्छे प्राइस मिलते तब वो सेल करें। तो ये सारे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इनिशिएटिव भी चाहिए फार्मर्स की दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए और ये फार्मर्स सुसाइड को रिजॉल्व करने के लिए। फिर लास्ट न्यूज आइटम है, रिन्यूएबल फर्म्स प्लान $2.5 बिलियन इन डॉलर बॉन्ड्स। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी में जो फर्म्स है कंपनीज है वो उनको लोन चाहिए, तो वो लोन ले रहे फॉरेन मार्केट से, क्योंकि इंडिया में यहाँ पे नेशनल मार्केट में यहाँ पे बैंक्स उनको लोन नहीं दे रही है क्योंकि बैंक्स के ऊपर एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का जो पूरा बर्डन है उसमें से काफी सारा पावर सेक्टर का भी है, तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को भी वो अभी लोन्स देने के लिए रेडी नहीं, तो इसीलिए वो डॉलर बॉन्ड्स ले रहे हैं। बॉन्ड मतलब कि आप बॉन्ड इशू करते तो वो लोन दिया जाता है, मतलब लोन लेने के लिए बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, तो वही है वो डॉलर बॉन्ड्स प्लान कर रहे हैं ताकि वो लोन उनको मिले। तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर अब ग्रो हो रही है और इवन इंडिया में भी सोलार एनर्जी में भी, सोलार टैरिफ जो रिसेंटली जो न्यूज में रहा है मई 2017 में भी जो बिडिंग की गई तो वो 2.44 पर यूनिट की, इतनी लो बिड की गई थी। तो इसका मतलब भी ये है कि एक्चुअली सोलार पावर प्लांट्स के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट ने लोकेट किए, डिसाइड किए कि कौन से लैंड्स है उनको डेजिग्नेट किया कि ये लैंड्स के ऊपर सोलर पार्क्स बनाए जाए और फिर वो उनका बिडिंग करवाते हैं। तो जो सारे फर्म्स है रिन्यूएबल एनर्जी फर्म्स सेक्टर में वो यहाँ पे बिड करेंगे, तो जो लोवेस्ट बिड करेंगे मतलब कि अगर हम सोलर एनर्जी या सोलर पावर डेवलप करेंगे और जब वो नेशनल ग्रिड को कनेक्ट होगा तो पर यूनिट पावर के लिए हम कितना पैसा लेंगे, कितना प्राइस पे हम उसको बेचेंगे, तो जो सबसे कम प्राइस बताते हैं उनको वो गवर्नमेंट दे रही है कि आप यहाँ पे पार्क डेवलप करो सोलर पार्क, वो नॉमिनल रेट्स पे वो लैंड दे रही है उनको। तो यहाँ पे जो लोवेस्ट बिड आया था वो था 2.44 पर यूनिट। तो वही है ये जो इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, मतलब कि तो ये भी दिखाता है कि सोलार टैरिफ्स अगर इतने लो हो रहे हैं मतलब ये रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज जो है उनका इतना कॉन्फिडेंस है कि वो डेवलप कर सकते हैं और इतने लो प्राइस पे भी वो प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ये क्योंकि गवर्नमेंट का भी जो कमिटमेंट है, हमने भी पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के अंदर जो कमिटमेंट दिया है कि हम 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करेंगे बाय 2022। फिलहाल हमारा रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन जो है कैपेसिटी सिर्फ 57 गीगावाट। तो इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ काफी सारा इन्वेस्टमेंट कर रही है, अराउंड $150 बिलियन इन्वेस्ट किए जाएंगे और काफी सारा फॉरेन फाइनेंसिंग भी यहाँ एक्सपेक्टेड है, इसीलिए यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर ऑप्टिमिस्ट और कॉन्फिडेंट है। तो ये जो है पर यूनिट मतलब पर किलोवाट आ, तो ये इतने कम प्राइसेस पे भी वो रेडी है पावर सेल करने के लिए, राइट।
और ये जो अपना टारगेट है 2022 का 175 गीगावाट्स, उसका बाइफर्केशन दिया गया है। तो ये 100 गीगावाट सोलर है, 60 विंड, ये बायोमास 10 एंड स्मॉल हाइडल प्रोजेक्ट्स 5 गीगावाट्स। इवन सोलर में भी 100 गीगावाट्स का सेग्रीगेशन है, 40 अल्ट्रा मेगा पार्क सोलर प्रोजेक्ट्स, रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स 40 है, और यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए 20 गीगावाट्स का टारगेट है। और ये सारे लैंड्स है सारे स्टेट्स में जहाँ पे यहाँ पे सोलर पार्क्स डेवलप किए जाएंगे, तो वो है प्लान। और यही है जहाँ पे यहाँ बिडिंग हुआ है, तो ये जो लेटेस्ट लो प्राइसेस बिडिंग हुई है वो दिखाया गया है। ये 2.44 जो पर यूनिट प्राइस था, प्राइस पर किलोवाट था, जो हमने अभी न्यूज में डिस्कस किया, ये मई में इतना लो बिड किया गया था वो है। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।